नमस्कार दोस्तों, मैं ना विनीत, तो स्वागत है आप सभी का आकृति इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ पिज्जा मेकलाइन रेफ्रिजरेटर। अगर आप करना चाहते हैं पिज्जा का बिजनेस, और पिज्जा के बिजनेस के अंदर सबसे मेन एक रिक्वायरमेंट होती है पिज्जा मेकलाइन की, जिसपे आप अपना पिज्जा असेंबल करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस टाइप की पिज्जा मेकलाइन रहने वाले हो। काफी ऑलरेडी मैं पुरानी भी बहुत सारी पिज्जा मेकलाइन की वीडियोज बना चुका, तो वो भी आई लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक्स, वहां पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस मेकलाइन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी क्वालिटी की, कि किस टाइप की क्वालिटी रहने वाली है। तो अगर आप देखेंगे ये टोटली स्टेनलेस स्टील के अंदर बनी हुई है। टोटल एसएस के अंदर आप देखेंगे इसका वर्क हुआ हुआ है, इवन अंदर से लेके बाहर तक टोटल सारा एसएस का रहने वाला है। अगर हम बात करें इसके अंदर की मटेरियल की, तो जो कॉपर पाइप लगा हुआ है मलेशियन कॉपर लगा हुआ है 3/8 का। बात करें कंप्रेसर की, कंप्रेसर हम लोगों ने पहले बताया हम लोग जो इमर्शन कॉपलैंड का यूज़ करते हैं, और सब जीरो जो डिग्री का टेम्परेचर है वो सब जीरो का यूज़ करते हैं। एवरी थिंग वी यूज क्वालिटी वर्क, और अंदर पफ वगैरह जो है वो सारी एबी सोल्यूशन वाला है वो भरी हुई है। तो हर चीज़ के अंदर आपको क्वालिटी मिलेगी। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये ऊपर गैस किट लगी हुई है। गैस किट का मेन बेनिफिट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर दम मारता हूँ तो क्या होता है, हमारा जो इक्विपमेंट है ना ये चीज़ ख़राब नहीं होती, जो ये डोर है वो ख़राब नहीं होती, और इसकी वजह से जो लीकेज है ना आपकी जो कूलिंग है वो आउट नहीं होगी जब भी गैस किट लगी होगी। तो ये एक मेन बेनिफिट रहता है। यहाँ पर हम अपनी टॉपिंग्स वगैरह रख सकते हैं, पिज़्ज़ा की जितनी भी टॉपिंग्स हैं हमें अपनी रख सकते हैं। आपको अगर थोड़े बढ़ाने हैं कंटेनर तो बढ़ा सकते हैं। इसकी जो विड्थ है वो आपकी मेकलाइन की हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये कस्टमाइज आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर नीड हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखेंगे ये वर्किंग स्पेस रहने वाला है, जो भी पिज़्ज़ा हमने यहाँ पे रख लिया साथ के असेंबल करते चले और बाद में हमने लाइन के अंदर लगा दिया। इस टाइप का मेकलाइन कहाँ पर ज़रूरी होता है, यहाँ पर जो ये ज़रूरी है ना बेसिकली क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे जो कंप्रेसर यूनिट है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो नीचे की तरफ लगा हुआ है, और हमने जो स्टोरेज है वो आपकी इफेक्ट नहीं हो रही। यहाँ पे देखेंगे आपको एक डोर, दो डोर और तीन डोर, तीसरा डोर। जनरली क्या होता है, हमारे दो डोर इधर होते हैं और एक साइड हमारा कंप्रेशर यूनिट ले लेता है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। कंप्रेशर की यूनिट है वो आपका नीचे की तरफ रहने वाला है, और इसमें देखेंगे लॉकेबल्स व्हील्स हमने दिए हुए हैं, तो वो जहाँ पर भी आपको लगाना है उसके बाद आप ईजिली मूव कर सकते हैं, क्लीनिंग का आपको इश्यूज वगैरह नहीं रहेंगे। तो ये एक मेन बेनिफिट रहता है। नीचे आपको देखेंगे जो कूलिंग के लिए वो हमने वेंटिलेशन के लिए कैप्सूल कटिंग कर रखी है, ताकि आपकी जो कूलिंग है वो इफेक्ट ना हो और हीट जो है वो आराम से इजली से बाहर हो जाए। और अंडर स्टोरेज आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे वायर्ड शेल्फ दी हुई है जो कि एडजस्टेबल रहने वाली है। आपको जो भी इक्विपमेंट अपने हिसाब से, अगर मान लो कोई भी सामान आपका बड़ा या छोटा, तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। आप ये देखेंगे लेवल्स बने हुए हैं इसके अंदर, तो कई सामान छोटे होते हैं, कई हमारे सामान बड़े होते हैं स्टोरेज के अंदर, तो हम इजीली इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और मेकलाइन लेने का मेन बेनिफिट यही होता है कि हम अपना सामान जो है वो, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें स्टोर करनी होती है। हम लोग जब पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं तो कई बॉटल्स होती हैं, सॉस बॉटल्स होती हैं, उनका साइज़ छोटा होता है, कईयों का बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से हमें जब भी एडजस्ट करना है तो हम अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की अगर आपको मेकलाइन खरीदनी है, परचेज करनी है, तो नीचे नंबर दिया हुआ, और हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है अलग अलग कस्टमर के, क्लाइंट के अकॉर्डिंग उनकी मेकलाइन बनी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं, या आई लिंक में आपको आ रहा होगा तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप पिज़्ज़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एक मेकलाइन लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे को कंसिडर करें और फ़ोन कीजिए। 11 to 6 कॉलिंग की टाइमिंग रहेगी, मंडे टू सैटरडे। तो वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारी वीडियोज़ है जो आप बोल रहे हैं छोड़ रहे हैं, पिज़्ज़ा बिजनेस में हो या फूड बिजनेस के अंदर हो, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।